हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आप सबका रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और चौथा T20 मैच पाकिस्तान जुल्फिका के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की नाकाबिल शिकस्त बढ़ोतरी हासिल है। और आज के इस वीडियो में जो दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इनो कि आपको हमेशा ये क्या तजस्स रहता है कि कल क्या चेंजेस होंगी, ये तो मैं बताऊंगा, बट दो तीन मेजर चीजें हैं। ये तो बाबर आजम को जो हाथ पे चोट लगी थी, आपने देखा होगा जो सेंचुरी बनाने से पहले एक जब उन्होंने बड़ा जबरदस्त शॉट मारा था दायरे के ऊपर से, उसके बाद उनको जरूरत महसूस हुई थी थोड़ी सी मेडिकल अटेंडेंट की, और आपने देखा कि फिर फिजियो आए और स्प्रे वगैरह किया। एक तो वो क्या उस बारे में अपडेट दूंगा। मोहम्मद हफीज बॉलिंग नहीं करा पा रहे, क्यों नहीं करा पा रहे ये मैंने पता किया, वो आपको बताऊंगा। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक और चीज है कि शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट क्यों नहीं मिल रहा। ये तीन बातें आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट है, कोई और आपके जहन में अगर है कोई बात तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और बाय द वे कल आईपीएल का तो आपको पता है कि हम रोज 11 बजे लाइव करते हैं, बट कल पाकिस्तान के मैच के बाद तनवीर अहमद मेरे से मौजूद होंगे और फिर यासिर हमीद भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों ने कहा था क्रिकेटर्स लेकर आए, तो आप लोगों के लिए क्रिकेटर्स मैं लेके आऊंगा। तो बस आपका अपना चैनल है, आप जो चाहें आप फरमाइश करें और जो आपके दिल में हो भाई आदर है। तो जनाब पहले तो बताता हूँ मैं कल की चेंज की बारे में अगर बात की जाए, टू बी ऑनेस्ट की थोड़ी सी एक अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अब टीम जीती हुई है, माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, वीडियो बहुत अच्छी आई है, बाबर आजम ने खूब इंजॉय किया अपने टीम मेट के साथ, रिचली डिजर्व जो उनकी सेंचुरी थी, फिर एक ही दिन में उनका ऑब्वियसली नंबर वन बनना, फिर उसी दिन सेंचुरी करना, फिर उससे अभी रात गुजरी नहीं तो हमें मोहम्मद रिजवान का पता चला जनाब, विजडन क्रिकेटर में उनको शामिल किया गया है। 5 क्रिकेटर्स होते हैं आपको पता है, तो उसमें आना एक बड़े एजाज की बात होती है पूरी दुनिया में। विजडन की जो वैल्यू है क्रिकेट में आपको पता है, उस 5 क्रिकेटर्स की बड़ी वैल्यू है जो इंग्लैंड के डोमेस्टिक या इंग्लैंड के अंदर आके जो परफॉर्मेंस कर दें। तो रिजवान ने ऑब्वियसली अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया, तो बहुत बड़े एजाज की बात, उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। और टीम की अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई चेंज होगा, सिवाय इसके कि अगर आप बॉलिंग में उस्मान कादिर को किसी तरह लाने की कोशिश करें, तो मेरी अपनी जाती राय भी है कि उनको खेलना चाहिए। अब वो और नवाज दोनों साथ खेलते हैं तो फिर आपके पास एक ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर कम होता है, या एक बैटिंग का ऑप्शन अगर आप देखें तो छठे नंबर पे हमने कल आसिफ को खिलाया था, तो फिर उसके बाद नवाज आते हैं, फिर फहीम आते हैं। तो उस्मान कादिर को अगर आप खिलाएंगे तो दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो आप नवाज की जगह खिलाएंगे या आप एक फास्ट बॉलर कम करेंगे। फहीम को तो मैं बाहर जाता नहीं देख रहा, ऑब्वियसली उनकी जो बैटिंग की एबिलिटी है उसकी वजह से, बट यू नेवर नो के अगर हम हारिस की जगह या एक यही ऑप्शन दिखाई देता है या नवाज की जगह फिर हम खिला सकते हैं उस्मान कादिर को। तो इस वक्त तो ये लग रहा है कि चेंज कम ही होगा, अगर हुआ तो वो ये उस्मान कादिर हो सकते हैं। आप ही क्या राय आप मुझे बताइएगा। अब दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं इस पूरी सीरीज के जिसपे बात करना बहुत जरूरी है। कल तो बाबर आजम को जो आई थिंक आपने देखा था उनको थोड़ी सी हाथ में थोड़ी तकलीफ हुई थी, फिर स्प्रे वगैरह हुआ, इज फाइन, मैंने पता किया इज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, और वो खेलेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक माइनर सी चीज़ थी। अब बात आती है जनाब कि जिसकी वजह से टीम कॉम्बिनेशन भी आपका जो है वो तब्दील हो रहा है, और मैंने जैसे कहा कि स्पिनर खेलेगा नहीं खेलेगा, ये दारोमदार भी इस बात पे कर रहा है कि आपका टीम कॉम्बिनेशन 5 बॉलर का 6 बैट्समैन और ऑलराउंडर में से फहीम एक बन जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा है। तो मोहम्मद हफीज बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे, इस बारे में जब मैंने कुछ पता करने की कोशिश की तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि वो एलिजिबल है ऑब्वियसली, और उनका एक्शन ऑब्वियसली क्लियर, आपको पता है बॉलिंग कप्तान उनसे कब करवाएंगे, ये अब तक जो मुझे पता चला है वो यही है कि कप्तान चाहेंगे तो उनसे बॉलिंग करवा लेंगे। अब मुझे नहीं ये समझ आ रही कप्तान क्यों नहीं चाह रहे, कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि शायद उनका जो बॉलिंग एक्शन है, आपको पता है ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन कहा जाता है कि हो गया, और बड़े कम बचे अश्विन और 2-3 ही स्पिनर बचे पूरी दुनिया में, तो एक तो ये वजह नजर आती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मोहम्मद हफीज नए बॉलिंग एक्शन के साथ इतने मौसर नहीं है क्या, बट ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो उन्होंने बॉलिंग की नहीं, बॉलिंग करेंगे ज़्यादा तो पता चलेगा कि अब एक्शन कैसा है, मौसर है नहीं है, बट मोहम्मद हफीज़ को आई थिंक बॉलिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बॉलिंग करते हैं, और वैसे तो इस सीरीज में उन पर एक इनिंग भी ड्यू है, 2 मैचों में चले नहीं, 1 में बारी नहीं आई, बट शायद कल उनका दिन हो, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आजकल और बहुत उम्मीदें हैं, चूँकि वो ऐसे प्लेयर हैं जो रन नहीं भी कर रहे हैं ना तब भी आप घबराएं नहीं, उनकी एबिलिटी देखें, बिकॉज वो जिस एबिलिटी से T20 बैटिंग करते हैं अगर वो चलेंगे तो मैच में आपकी नैया पार लगा देंगे, और अगर नहीं चल रहे तो इंतजार कर लें, ये समझ जो अब कभी फॉर्म में वापस आ सकते हैं विद अ बैंग।
तो ये एक चीज आपने जरूर याद रखनी है कि उनको आप सपोर्ट करें। बट मोहम्मद हफीज की बॉलिंग के हवाले से एक चीज तो क्लियर हो गई कि कैप्टन जब चाहे उन्हें इस्तेमाल कर लें, ये बात है। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये थी कि शाहीन शाफी को रेस्क्यू नहीं मिल रहा। मतलब इंग्लैंड टूर के बाद उन्होंने, अभी आपको याद होगा, काउंटी खेली, फिर नेशनल T20 खेली, फिर जिम्बाब्वे, फिर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, फिर अब आपके सामने वीन में ऑब्वियसली आप साउथ अफ्रीका की होम सीरीज, अब फिर यहाँ भी सारे मैचेस खेले हैं। तो देखिए एक चीज तो मुझे बताई गई कि हर खिलाड़ी का वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ना, वो अब ऐप के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, एक समझ लें कि हर एक चीज उनकी जो है ना वो डिवाइस के थ्रू जो है ना वो मॉनिटर हो जाती है। वो कदम भी उठाते हैं तो वो भी पता चल जाता है कि बेसिकली उन्होंने कितने आज वार्म अप सेशन किया है, कितनी बॉलिंग की है, उनका बर्नआउट का डेंजर लेवल क्या है। अब बताने वाले ही बताते हैं कि वो सब उनका सॉलिड है, अभी तक वो उस जोन में नहीं आए जहां ये समझा जाए कि उनको कोई फिटनेस का प्रॉब्लम होगा। एक तो फिट है माशाल्लाह, दूसरा वो बॉलिंग करते हैं, और अगर आप देखें तो थोड़ा सा थकावट के आसार अब मुझे नुमाया दिखाई दे रहे हैं, बट उनकी बॉलिंग में कोई कमी दिखाई नहीं देती। पेस पिछले मैच में मारा था उन्होंने 145, बल्कि 150 तक भी शायद पहुंचे थे सीरीज में किसी एक मौके पर। तो उनका सब कुछ रिदम वगैरह सब कुछ ठीक है, बट मेरी जाती राय ये है कि एक यंग फास्ट बॉलर जिसने अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और अभी फ्यूचर में उसने पूरी जिंदगी माशाल्लाह क्रिकेट खेलनी है, तो आप कहीं ना कहीं उसको रेस्ट करवा दें। इंजरी कभी भी फास्ट बॉलर को हो सकती है। तो बताने वाले बताते हैं भाई कि उनका कोई ऐसा वर्कलोड मैनेजमेंट में ऐसी चीज अब तक नोट नहीं की गई कि उनकी फिटनेस को कोई अलार्मिंग जोन में आ गई है। या दूसरा, खुद फास्ट बॉलर भी बता देता है कैप्टन को कि मैनेजमेंट को, कोचेस को, स्पेशली फास्ट बॉलर से पूछा जाता है कि आप या इवन ऑलराउंडर्स भी जो होते हैं कि बॉलिंग उनकी आप देखें ना, जैसे बेन स्टोक्स हैं या हार्दिक पांड्या हैं, तो बॉलिंग तो मुश्किल काम है बैटिंग की नस्बत, तो बॉलर खुद बता देता है कैप्टन को और इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया जाता है। तो शाहीन की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्हें जो है वो कोई प्रॉब्लम है या वो रेस्ट लेना चाह रहे हैं। ही इज विलिंग टू बॉल एज मच एज ही कैन, और अभी फिट हैं, रिदम में हैं। सो अब ऑब्वियसली शाहीन भी अगर खुश हैं, टीम मैनेजमेंट समझती है कि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट, उनकी वेट, उनकी फिटनेस के लिहाज से ठीक जा रहा है, तो फिर क्या करेगा गाजी जनाब। तो मेरे ख्याल में उनको फिर खिलाने ही शायद एक ऑप्शन है। शायद मेरे नज़दीक अपनी राय ये है कि आप बोल्ड स्टेप लेकर आखिरी मैच में उनकी जगह हसनैन को खिला दें, हसनैन अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं T20 में, बट शाहीन जो कि लीडर ऑफ द अटैक है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट इतना बोल्ड नहीं होना चाहेगी। बट ये चीज़ दो तीन क्यूरीज थी, अब मुझे पता चली, मैंने इन सब पर जवाब हासिल करने की कोशिश की, रिसर्च की, और बड़ी जिम्मेदारी से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हफीज बॉलिंग कर सकते हैं कैप्टन जब चाहें, तो ये एक एलिमेंट है। शाहीन का प्रॉब्लम फिटनेस का नहीं है टीम मैनेजमेंट के ख्याल में, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो जनाब ये थी तमाम मेजर अपडेट्स, और आज भी IPL के मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी। एक अच्छी रिकवरी हो गई जनाब दिल्ली कैपिटल्स की, और आखिर में कुछ रन मिल गए, बट ऑब्वियसली बहुत अच्छी शुरुआत रही राजस्थान रॉयल्स की, और शायद मैच में वो आगे चल के डोमिनेट भी कर सकते हैं। ये सारे मैच पर आखिर में बात होगी 11 बजे, मैं, मुनीर साहब और जडेजा आपके साथ ज्वाइन करेंगे सवाल लाइव सेशन के साथ, तो आप ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़।